आप लोग के लिए इस वीडियो में शैडो इमेज बनाने के लिए लाए हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं कलर ग्लो इमेज इफेक्ट बताई थी, इस वीडियो में मैं शैडो इमेज को बता रही हूँ। तो देखिए कैसे इमेज के बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो देखेंगे, तो फाइल में जाना है और न्यू पेज लेना है आपको। न्यू पेज में जाकर आपको देखिए चौड़े वाले इमेज पेज ले लेना है। तो इस पेज को हम ले लिए यहाँ पे। अब इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए के द्वारा। कंट्रोल ए के द्वारा सिलेक्शन किए और यहाँ पे इसे डाल दिए। तो इसे आप बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ अब कंट्रोल प्लस टी प्रेस कीजिएगा और इस तरह से रोटेट कर लेना है आपको इमेज को। यहाँ पे देखिए आपका रोटेट हो रहा है, रोटेट हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर पे क्लिक कीजिएगा, अप्लाई मांगेगा आपको, अप्लाई दे दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, लेयर में जाके इसे फिल से इसे लाइट कर देना है। फिर इसमें भी कलर को कम कर लेना है आपको। इतना हो गया आपको। उसके बाद आपको इसे छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आप इस इमेज का कोई काम नहीं है, अब इसे हटा दीजिए। फिर क्या कीजिएगा, इस इमेज पे आ जाइए। तो देखिए जैसे इस पे और कलर इफेक्ट भी डालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल बी के द्वारा कलर बैलेंस का इफेक्ट आप डाल सकते हैं इस पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तेज आएगा, ब्लू इस टाइप से कलर इफेक्ट भी डाल दिए हम। उसके बाद हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज को देखिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके पॉलीगॉन लासो टूल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। इस तरह से बारी बारी से सेलेक्ट करते रहना है आपको। ये देखिए आपका पॉइंट जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किए थे वहीं पे जाके आपको रोकना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे फेदर दे देना है आपको कंट्रोल अल्ट प्लस डी से। ये आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर इसे ले जाकर अब मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो यहाँ पे आ गया आपका, इसे आप बड़ा कर लीजिए। इस लेयर को मैं हटा दे रही हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी के द्वारा इसे आप इमेज को छोटा कर सकते हैं। तो इस टाइप से शैडो इमेज भी बना सकते हैं आप, किसी का भी रहे। अब इसमें थोड़ा सा और ब्राइटनेस वगैरह डालना है इस इमेज में तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर पे जाइए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद इसे एडजस्टमेंट में चले जाइए और आप इसका कर्व थोड़ा सा यूज कीजिए, चेहरे पर और लाइट आएगा। यहाँ आ गया। उसके बाद इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ा लेंगे हम। यहाँ पे जाएंगे और ब्राइटनेस इसका थोड़ा सा और लो कर देंगे। देखिए एच डी में आएगा आपका। और कलर इफेक्ट अगर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा कलर इफेक्ट भी डाल दीजिए। अब अच्छा लग रहा है आपको। इस तरह से आप किसी भी दो इमेज से एक शैडो इमेज बना सकते हैं। और अगर एक ही इंसान का दोनों इमेज रहे तो ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।